हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद हम फिर से एक बार हमारी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हमारे जो गेम एंडेड एनसीईआरटी सीरीज जो चल रही थी 2024 बैच के लिए, वो हमारे मतलब बीच में ही स्टॉप हो गई थी क्योंकि मैं गाँव गई थी। आपको बताया था कि हाँ मतलब 4-5 दिनों का हमारा गैप, बहुत बड़ा गैप पड़ गया है। तो भी हम आज के लेक्चर, मतलब पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने पिछले लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है उसकी डिटेल हमने देखी थी। उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट, इन दोनों का हमने डिटेल डिफरेंस भी हमने देखा था। उसके बाद जो है हमारा राइबोसोम का जो सब यूनिट है S70S 80S, जो हमने देखा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, तो उसका जो एस जो है वो क्या है, सब यूनिट, मतलब उसके दो पार्ट आते हैं, दो यूनिट आते हैं, उसमें मेजर किया जाता है, वो भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूक्लियोलस क्या होता है। तो न्यूक्लियोलस इज अ मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स। ये कैसा है, मेम्ब्रेनलेस है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस इज अ कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। यह जो है वो कंटिन्यूस है, कैसे है, रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म से कंटिन्यूस है। उसके बाद बिकॉज इट इज़ अ मेम्ब्रेनलेस, क्यों मेम्ब्रेनलेस है, मतलब न्यूक्लियस इज अ कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो है हमारा वो कंटिन्यूस है। न्यूक्लियस इज अ कंटिन्यूस विद अ रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म बिकॉज इट इज़ अ मेम्ब्रेनलेस। ये जो है हमारा मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स है। मोर देन वन इन नंबर, हमारा न्यूक्लियोलस जो है हमारा वो मोर देन वन इन नंबर है, एक से अधिक नंबर है उसमें, ठीक है। एक्टिवली इन्वॉल्व इन आरएनए एंड राइबोसोम सिंथेसिस। ये जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व करता है किसमें, आरएनए, आरआरएनए एंड राइबोसोम सिंथेसिस, आरआरएनए एंड राइबोसोम सिंथेसिस। सर विच इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। एंड हैज़ मोर नंबर ऑफ राइबोसोम्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसमें जो है ज़्यादा नंबर है किसके, राइबोसोम्स के, और उसके बाद हमारा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा न्यूक्लियोलस जो है, हमारा न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स है, ठीक है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स है। उसके बाद न्यूक्लियस इज अ कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म बिकॉज इट इज द मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स। ये मतलब न्यूक्लियोलस इज अ कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, कंटिन्यूस है हमारा रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म से। क्यों कंटिन्यूस है, बिकॉज इट इज अ मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स, ठीक है। मोर देन वन इन नंबर, हमारा न्यूक्लियोलस जो है वो एक से ज़्यादा मतलब नंबर में है। उसके बाद एक्टिवली इन्वॉल्व इन आरआरएनए एंड राइबोसोम सिंथेसिस। किस में इन्वॉल्व है, एक्टिवली इन्वॉल्व इन आरआरएनए एंड राइबोसोम सिंथेसिस। उसके बाद उसमें प्रोटीन का भी सिंथेसिस हो जाता है। एंड हैज़ अ मोर नंबर ऑफ राइबोसोम्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, उसमें राइबोसोम्स या हमारा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि ये जो है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स है। फर्स्ट पॉइंट है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स है। उसके बाद न्यूक्लियस इज अ कंटिन्यूस इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, कंटिन्यूस है विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सेकंड सेंटेंस है, बिकॉज क्यों है, क्योंकि फर्स्ट रीजन है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स है इसलिए। मोर देन वन इन नंबर, ये जो है थर्ड पॉइंट क्या है, मोर देन वन इन नंबर है। एक्टिवली इन्वॉल्व इन आरआरएनए, राइबोसोम सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब आरआरएनए का भी सिंथेसिस होता है, उसके बाद हमारा राइबोसोम का भी सिंथेसिस उधर होता है, और प्रोटीन का भी उधर सिंथेसिस हो जाता है। ये हुआ फोर्थ सेंटेंस। उसमें सिंथेसिस किसका होता है, सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, राइबोसोम एंड प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। इतने शॉर्ट्स में आप लिख सकते हो अपने खुद के नोट्स। जब हम अपने खुद के नोट्स
नोट्स लिखते हैं तो हमें वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लगते हैं, ठीक है। सेल विच इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड हैज़ अ मोर नंबर ऑफ राइबोसोम्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, उसमें जो है ज़्यादा नंबर है किसके, राइबोसोम्स के, एंड उसमें जो है उसका प्रोमिनेंट जो न्यूक्लियस है उसका, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि हमारा जो है न्यूक्लियोलस जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है इधर। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो राइबोसोम है वो किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, और कुछ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो हम देख लेते हैं अगले स्लाइड में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि राइबोसोम जो है फर्स्ट डिस्कवर बाय ब्लैक से लिखते हैं फर्स्ट डिस्कवर was discovered by Gregor E. Lallet, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर किसने किया, ग्रेगोर ई लैलेट ने किया। किस कौन से मतलब कौन से ईयर में किया उन्होंने, वो जो है फर्स्ट डिस्कवर इन द ईयर इन 1955, ठीक है। उसके बाद हमारा जो राइबोसोम है उन्होंने क्या कहा, ही आइडेंटिफाइड देयर a particle present in cytoplasm, जो पार्टिकल है वो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म से, which remains associated with किससे associated है, endoplasmic reticulum से वो associated है, endoplasmic रेटिकुलम, ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम जो है हमारा वो फर्स्ट डिस्कवर किया था ग्रेगोर ए. पैलेट ने इन 1955 में। ही आइडेंटिफाइड दैट अ पार्टिकल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, एक पार्टिकल है वो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, विच रिमेन एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो एसोसिएटेड है। यह जो राइबोसोम जो है यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। ये जो राइबोसोम जो है हमारा यूनिवर्सल ऑर्गेनल्स है। उसके बाद ये जो राइबोसोम है हमने एक्सेप्शन केस में देखा था कि राइबोसोम विच इज प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो ये जो है राइबोसोम प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में, सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस किसमें सिंथेसाइज्ड है, सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस। उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑफ आरआरएनए, कॉम्प्लेक्स ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन, किसका कॉम्प्लेक्स है, आरआरएनए एंड प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स है आरआरएनए का और इन्वॉल्व करता है प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रोटीन फाइबर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटीन फाइबर, ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स, फैक्टर, ठीक है। तो आगे है राइबोसोम जो है, आगे भी है, हम पिछले स्लाइड में, मतलब आगे की स्लाइड में हम देखते चले जाएंगे। राइबोसोम जो है हमारा, वो फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, ग्रेगर ई पैलेट ने किया था, किन कौन से ईयर में किया था, 1955 में किया था, ये क्लियर है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद ही आइडेंटिफाइड देयर इज अ पार्टिकल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, एक पार्टिकल है वो प्रेजेंट है जिसमें साइटोप्लाज्म में, विच इज एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किससे एसोसिएटेड है, विच इज एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यूनिवर्सल ऑर्गेनल्स है ये, प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ये जो है एक्सेप्शन है कि ये दोनों में प्रेजेंट है, वो जो है प्रेजेंट है बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में। उसके बाद सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस, ये जो है सिंथेसाइज करता है किसमें, न्यूक्लियस में सिंथेसाइज करता है। कॉम्प्लेक्स ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन, ये जो है कॉम्प्लेक्स है किसका, आरआरएनए का एंड प्रोटीन का। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, किसमें इन्वॉल्व करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व करता है। व्हाई इट इज कॉल्ड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रोटीन फैक्टर, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्टर भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइबोसोम इट इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्टर, इसे प्रोटीन फैक्टर भी कहा जाता है। आई होप यू क्लियर दिस स्लाइड गाइस। फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, ग्रेगर ई पैलेट ने डिस्कवर किया था, 1955 में डिस्कवर किया था। उसके बाद ही आइडेंटिफाइड किया ग्रेगर ई पैलेट ने, तो आइडेंटिफाइड किया देयर इज अ पार्टिकल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच इज एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एसोसिएटेड है किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उसके बाद वो जो है यूनिवर्सल ऑर्गेनल्स है, ये जो है यूनिवर्सल ऑर्गेनल्स है। उसके बाद प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, वो जो है प्रेजेंट है किसमें, दोनों में, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। सिंथेसाइज इन अ न्यूक्लियस, वो जो है सिंथेसाइज होता है किसमें, न्यूक्लियस में। कॉम्प्लेक्स ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन, ये जो है कॉम्प्लेक्स है किसका, आरआरएनए का एंड प्रोटीन का। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज व्हाई वो जो है इन्वॉल्व करता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड
ऑल द प्रोटीन फैक्टर, इसे प्रोटीन फैक्टर कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, डिस्कवर किसने किया, उसके बाद उसने आइडेंटिफाइड किया था उसमें, उसके बाद थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल्स है, प्रेजेंट होता है बोथ में, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ होता है सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस, फिफ्थ है कॉम्प्लेक्स किसका है, आरएनए का एंड प्रोटीन का, उसके बाद हमारा सेवन्थ पॉइंट है इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड दैट इज़ व्हाई नाउ इट इज़ कॉल्ड प्रोटीन फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्टर भी बोलते हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्टर कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। आई होप यू क्लियर दिस स्लाइड, इस स्लाइड मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाई है, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। और मैं जब मेरे नोट्स जो है वो हम मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो वो जो नोट्स है उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट है जो मैं यहाँ नहीं ले रही, कुछ एडिशनल पॉइंट मतलब वो एनसीईआरटी पे बेस है, बट मुझे मतलब यहाँ जितना सिखाना है मैं सिखा रही हूँ। आपको जब एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ लोगों का होता है कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा भी कुछ नॉलेज लेना है, तो आप वो नोट्स फॉलो करो, ज़्यादा भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाला नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी पे ही बेस है, हम एनसीईआरटी सीरीज ही ले रहे हैं, तो इसकी वजह से मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाऊँगी। हमारे जो हमारे 2023 के क्वेश्चन थे बायो के, 99% जो क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी से ऐसे उठ कर आए थे, तो हम एनसीईआरटी से बाहर क्यों जाए, उस एक क्वेश्चन के लिए 0.01 क्वेश्चन के लिए हम एनसीईआरटी को क्यों छोड़े। तो फोकस करो एनसीईआरटी पे, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी टाइम पे आप एनसीईआरटी लेके बैठना, जो पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स बनाना। अगर मेरे यहाँ के स्लाइड के नोट्स आपको समझ नहीं आते तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी मेरे नोट्स जो है वो, और उसके बाद उससे वो दोनों कंपेयर कर दिए आप बुक और हम आपकी जो नोट्स है वो दोनों कंपेयर करते, आप अपनी नोट्स बनाना, अपनी नोट्स की कॉपी बनाना। अभी 11 महीने हमारे नीट के एग्ज़ाम के लिए, सो आप जितना ट्राई करोगे, बेस्ट एफर्ट्स दोगे, तो उतना रिजल्ट तब आएगा, मई मंथ में आएगा, 2024 में आएगा, ठीक है। तो हम आगे के स्लाइड में, आई होप दिस स्लाइड इज़ क्लियर, आगे के स्लाइड में देखते हैं कि राइबोसोम जो है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे की स्लाइड में देखते हैं। ये स्लाइड हमें स्पेस नहीं था इस स्लाइड में, हमने देखा कि राइबोसोम जो है, राइबोसोम इज कॉम्प्लेक्स ऑफ, किसका कॉम्प्लेक्स है याद करना, ये किसका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, किसका कॉम्प्लेक्स है, आरआरएनए एंड प्रोटीन्स का ये कॉम्प्लेक्स है। तो उससे राइबोसोम्स आर ऑफ द टू टाइप्स, राइबोसोम्स आर ऑफ द टू टाइप्स, उसमें जो है हमारा फर्स्ट जो है फ्री राइबोसोम है, फ्री राइबोसोम है हमारा, और उसके बाद बाउंडेड राइबोसोम है, बाउंड राइबोसोम, ठीक है। तो हमारा फ्री राइबोसोम जो है वो क्या करता है, एक्ट एज अ कैटलिस्ट, एक्ट एज किस तरह, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तरह वो एक्ट करता है, कैसे, एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स, ठीक है। राइबोसोम्स एक्ट एज
एन एंजाइम दैट इज राइबोसोम। मतलब राइबोसोम जो है वो एक्ट करते हैं कैसे, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह, और उसे एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है हम मतलब फ्री राइबोसोम जो है हमने देखा, फ्री राइबोसोम एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैसे एक्ट करता है ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाउंडेड राइबोसोम क्या होते हैं। ये देखो, हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, पिछली स्लाइड में ही देखा, राइबोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स आर ऑफ द टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स है, फर्स्ट है फ्री राइबोसोम्स और उसके बाद है बाउंडेड राइबोसोम। ये ए टाइप है और ये हमारा बी टाइप है। तो हमने फ्री राइबोसोम में क्या देखा, एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये जो है कैसे एक्ट कर रहा है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, उसे एंजाइम कह रहे हैं। उसके बाद बाउंडेड राइबोसोम जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो हम अगली स्लाइड में वो लेते हैं। ठीक है, तो इधर जो है बाउंडेड राइबोसोम है, बाउंड राइबोसोम। बाउंड राइबोसोम है उसमें जो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स है। बाउंड राइबोसोम्स में प्रो कैरियोट्स एंड इधर जो है यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, बाउंड राइबोसोम्स में क्या है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में राइबोसोम जो है हमारे प्रोकैरियोट्स में अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम इज अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे जो हमारा राइबोसोम जो है अटैच है। राइबोसोम इज अटैच्ड टू, इधर जो है राइबोसोम इज अटैच्ड टू, किससे अटैच है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो ये जो प्रोकैरियोटिक बाउंडेड राइबोसोम्स में हमें क्या देखा कि ये जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ऐसे दो टाइप आते हैं इसमें। तो हमने प्रोकैरियोट में क्या देखा, राइबोसोम्स इज अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा जो राइबोसोम है वो किससे अटैच है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है। और यूकैरियोट्स में हमने क्या देखा, राइबोसोम्स इज अटैच्ड टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमारा जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उससे अटैच है हमारा राइबोसोम्स। उसके बाद राइबोसोम्स यूकैरियोट में SMS, ठीक है, ये ट्रिक है, SMS। ठीक है, तो S से क्या आता है हमारा, S से सिक्रेटरी प्रोटीन है, सिक्रेटरी प्रोटीन। ठीक है, मतलब इसकी जो ट्रिक है यूकैरियोट में, जो हमारा राइबोसोम है उसमें जो है SMS, S से क्या आता है, सिक्रेटरी प्रोटीन। उसके बाद M से क्या आता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। और S से क्या आता है, स्टोरेज, मतलब S से क्या आता है, स्टोरेज प्रोटीन। ठीक है, स्टोरेज प्रोटीन्स। ठीक है,
मतलब हमारा जो राइबोसोम है, बाउंडेड राइबोसोम जो है, उसमें प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आते हैं। तो उसमें प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स इज अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा जो राइबोसोम्स जो है वो अटैच है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है। यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स इज अटैच टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोट्स में क्या है? राइबोसोम जो है हमारा वो किससे अटैच है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो अटैच है। उसके बाद जो है उसका जो है SMS शॉर्ट फॉर्म है, मतलब ट्रिक्स है, सीक्रेटरी प्रोटीन है उसमें, मेम्ब्रेन प्रोटीन है और स्टोरेज प्रोटीन है। ठीक है, ये तीन जो है उसमें है, मतलब हमारे यूकैरियोट्स में आते हैं। आई होप यू क्लियर दिस स्लाइड गाइस। ठीक है, आई होप यू क्लियर दिस स्लाइड। मैंने बहुत अच्छी तरह से ये स्लाइड आपको क्लियर की है। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमारे जो प्रोकैरियोट्स है, और इधर जो है यूकैरियोट्स है, ठीक है, हमारे जो प्रोकैरियोट्स है ठीक है, उसके बाद इसमें ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, और ये राइबोसोम्स है। तो क्या कहेंगे? राइबोसोम इज अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, राइबोसोम्स इज अटैच टू, किससे अटैच है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है। उसके बाद यूकैरियोट में देखा जाए हमारे जो यूकैरियोट जो है उसमें क्या है? फ्री राइबोसोम्स। इधर इधर जो है हमारे कुछ फ्री राइबोसोम्स भी है, फ्री राइबोसोम्स है इसमें जो है, ये जो है हमारे फ्री राइबोसोम्स जो है वो है राइबोसोम्स अटैच्ड विथ, इधर जो है राइबोसोम अटैच विथ, किस किस से अटैच्ड है? ये जो अटैच है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको ये शॉर्ट फॉर्म अभी, मतलब मेरे पास जगह नहीं है, आप अपनी कॉपी में ये लिख लेना। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, राइबोसोम्स जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम आगे देखेंगे। राइबोसोम जब अटैच होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो उसे कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये
जो है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारे राइबोसोम जो है प्रेजेंट होते हैं, अटैच्ड होते हैं, वो रफ रफ दिखने लगता है। आप ऐसे भी याद रखते हो, राइबोसोम्स विच इज़ प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स विच इज़ एब्सेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है हमारा एनसीईआरटी का ही पॉइंट था। तो हमने क्या देखा, हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि प्रोकैरियोट क्या होता है और यूकैरियोट क्या होता है। राइबोसोम्स अटैच करता है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, किस में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारा राइबोसोम जो अटैच करता है, और राइबोसोम्स अटैच विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद यूकैरियोट्स में क्या देखा हमने, जो हमारे राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स अटैच करते हैं कैसे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो हमने बाउंडेड राइबोसोम्स जो देखे थे, उसमें हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा, बाउंडेड राइबोसोम्स और हमारे फ्री राइबोसोम जो देखे, उसमें हम बाउंडेड राइबोसोम्स में प्रो कैरियोट्स एंड यू कैरियोट्स के राइबोसोम्स हमने देखे कि क्या डिफरेंस है, कौन किससे अटैच है। प्रो कैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है और हमारे यू कैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड राइबोसोम्स। हमने पिछली मतलब जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था, मतलब फंक्शन फंक्शन ऑफ बाउंडेड राइबोसोम, फंक्शन ऑफ बाउंडेड राइबोसोम क्या होता है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड राइबोसोम्स। तो उसमें जो है हमारा पहले डायग्राम आपको निकाल, मेरी साथ साथ ये निकालना डायग्राम। इसमें जो है पी सिक्रेटरी प्रोटीन ठीक है। उसके बाद ए पी एफ पी ठीक है, ये जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, ये पी से ये पी तक, ये जो है स्टोरेज प्रोटीन है। ये जो है हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि क्या है, मतलब ये ट्रिक मैंने बताई थी कि इसमें ट्रिक क्या है, एस एम एस। सब जानते हैं इस SMS को, इससे ही हम ट्रिक बना लेते हैं कि S से जो है सिक्रेटरी प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है सेल से यहाँ मतलब बाहर लिया जाता है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं, सिक्रेटरी प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद ये जो मतलब ये जो प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन से इधर ले जाता है, ये जो प्रोटीन है इधर से इधर ले जाता है, उसे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है। मेम्ब्रेन पास आउट करता है, सिक्रेट करता है, मेम्ब्रेन से जाता है और उसके बाद ये जो प्रोटीन है यहाँ से यहाँ तो जाता है बट एक स्टोरेज है, ये इधर से इधर नहीं जाता, तो इसे क्या कहते हैं, स्टोरेज प्रोटीन कहा जाता है। ये क्या है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड राइबोसोम्स। हमारे जो बाउंडेड राइबोसोम्स है उसके जो ये फंक्शन है क्या है, SMS। पहला क्या है, सिक्रेटरी प्रोटीन, M से
एम से क्या है मेम्ब्रेन प्रोटीन और एस से क्या है स्टोरेज प्रोटीन। आई होप यू गाइज इट क्लियर बिकॉज मैंने ट्रिक भी इतनी खास बताई है तो सबको याद ही रहना चाहिए ये पॉइंट कि हमारा जो फंक्शन है बाउंडेड राइबोसोम्स की हमारा जो फंक्शन है वो सबको याद ही रहना चाहिए बिकॉज वेरी सिंपल ये ट्रिक्स है। हम कोई भी बच्चा मतलब वो हमारे जो नर्सरी में बच्चे जाते हैं ना वो भी याद रख सकता है इतनी सारी ट्रिक को। एस एम एस दैट इज सिक्रेटरी प्रोटीन, एम से मेम्ब्रेन प्रोटीन और एस से स्टोरेज प्रोटीन। इसका मतलब मैंने डायग्राम के हिसाब से आपको बताने की कोशिश की। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं। द सेल्स विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द सेल्स विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन, किसमें इन्वॉल्व करती है एक्टिवली इन्वॉल्व इन किसमें प्रोटीन नहीं दिखेगा ये प्रोटीन किसमें इन्वॉल्व करती है प्रोटीन सिंथेसिस हैज मोर नंबर ऑफ राइबोसोम राइबोसोम उसमें जो है ज़्यादा नंबर है किसके राइबोसोम्स के हैज़ अ मोर नंबर इंक खत्म हो गई थी मैंने अभी डाली थी मोर नंबर ऑफ राइबोसोम्स है एंड दिस सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड दिस सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उस सेल को जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उसमें है। द सेल्स विच इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस हैज अ मोर नंबर ऑफ राइबोसोम्स उसमें जो है ज़्यादा नंबर है किसके राइबोसोम्स के जो है ज़्यादा नंबर है एंड दिस सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वो जो सेल है उसमें जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट है। ठीक है this cells which is has the prominent nucleus हमारे जो राइबोसोम्स जो है हमने देखे कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में कैसे राइबोसोम्स होते हैं तो 70S जो है हमारे प्रोकैरियोट में होते हैं 80S हमारे यूकैरियोट में होते हैं तो हमारे राइबोसोम साहब जो है हमारे राइबोसोम जो है हमारे उसमें क्या है इसमें जो है प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स और उसके बाद यूकैरियोट्स हमारे प्रोकैरियोट्स में कितने हैं 70S है और हमारे यूकैरियोट्स में 80S है उसके जो है 70S और 80S के दो सब यूनिट होते हैं। ठीक है हमारे 70S कैसे होते हैं 50S प्लस 30S इज इक्वल्स टू 70S ऐसा इनकी एडिशन नहीं करनी है जो कह दोगे कि 50S प्लस 30S तो 80S होता है दीदी बट ये ऐसा नहीं है इसके दो सब यूनिट जो है वो 50S है एक 30S है। ठीक है
50s है और एक 30s है, उसके बाद ये जो है 70s हुआ है, उसके बाद हम जो 80s जब लेते हैं तो उसमें 60s प्लस 40s इज इक्वल्स टू 80s। अब इसमें भी कहोगे 60 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 100 होते हैं क्या ही दीदी, आपको मैथ इतनी भी नहीं आती, तो उसका ये आंसर नहीं। इसके जो है ये सब यूनिट है 80s के और ये जो है सब यूनिट है 70s के हमारे। हमने s जो है मैंने बताया था कि s क्या है, इसमें ये जो है ज़्यादा ऊपर लेती हूँ थोड़ा सा, मतलब हम ऐसे समझ पाते हैं इसमें, सॉरी मतलब मेरे को ही मतलब थोड़ा सा प्रो कैरियोट्स और इधर जो हमारा यू कैरियोट्स है, ठीक है। प्रो कैरियोट्स में क्या होता है हमारा, कितना होता है 70s होता है और यू कैरियोट में हमारा 80s होता है। तो प्रो कैरियोट में हमारा 50s प्लस 30s इज इक्वल्स टू 70s और इधर जो है 60s प्लस 40s इज इक्वल्स टू 80s होता है, ठीक है। इधर 70s और इधर 80s, ये सब यूनिट भी कभी कभी पूछे जाते हैं, ज़्यादातर नहीं पूछे जाते बट याद रखना चाहिए हमें अपने हिसाब से, हम कुछ कम है क्या भाई, ठीक है। तो यू कैरियोट्स है, उसके बाद मैंने s बताया था कि s क्या है, इसकी इंक भर गई होगी। एस जो है उसमें डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, डायरेक्ट मेजरमेंट और इधर जो है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट इसमें है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या आता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। यार ये पेन को क्या हो गया आज, कुछ भी मतलब एक भी ठीक से नहीं चल रहा। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और इनडायरेक्ट में साइज एंड डेंसिटी आती है। इनडायरेक्ट में हमारी साइज एंड डेंसिटी, ठीक है, साइज एंड डेंसिटी आती है। तो हमने क्या देखा कि हमारे राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट में 70s होते हैं, यूकैरियोट्स में हमारे 80s होते हैं। तो मतलब राइबोसोम जो है 50s plus 30s इज इक्वल्स टू 70s और 60s plus 40s इज इक्वल्स टू 80s। एस मतलब ऐसे इधर सेटबर्ग यूनिट कहा जाता है और एस से मतलब सेटबर्ग नहीं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, मतलब उसमें जो है सेटबर्ग यूनिट, सॉरी सेटबर्ग यूनिट वो डॉप्सन यूनिट का है, ठीक है। तो सॉरी वो ओजन है उसमें है शायद, ठीक है। तो एस से है डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, उसमें सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और साइज और डेंसिटी ये दोनों है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो हम आगे के लेक्चर में जो हमारा चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे, अभी हम ब्रेक नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच एंड इफ़ एनी क्वेरी अबाउट दिस लेक्चर या कोई भी रिक्वायरमेंट होगी मेरे से कौन से भी नोट्स, मतलब मैं सिर्फ बायो पढ़ाती हूँ बट मेरे केमिस्ट्री की मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या कोई फिजिकल केमिस्ट्री के भी मेरे नोट्स हैंड रिटन है, तो आपको चाहिए तो मुझे मतलब बता देना कमेंट में, हाँ दीदी चाहिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, मैं धीरे धीरे सब नोट्स जो है मेरे अपलोड करते चलूँगी। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी, आपके सपोर्ट्स आपके लाइक्स और कमेंट्स मतलब ज़्यादा मतलब मुझे मतलब प्राउड फील करते हैं कि हाँ यार मैं कुछ कर सकती हूँ ये बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच and have a good day.